तो सबसे मेन चीज इफ्तारी की खजूर। मैंने फॉइल लिए बिरयानियाँ शिरयानियाँ बनाने के लिए, दम शम लगाने के लिए। लेकिन जी एक बंदा दो ट्रॉलियाँ चला रहा है यार, अगर दोनों ट्रॉलियाँ छोड़ जाऊँ कोई मसला तो नहीं? मैं ना बेकिंग के लिए दो मैदे भी ले रही हूँ, ठीक है? ये लिस्ट आ रही है भाई साहब। तो यहाँ देखे जी घर आ चुके हैं और सारा सामान हमने यहाँ देखे सेट कर लिया है। वेलकम है आपका लाइफ विद आमना में। तो आ गई हूँ मैं ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ और आज का ब्लॉग है बहुत ज्यादा स्पेशल, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रमजान आने वाले हैं और रमजान में ग्रोसरी शॉपिंग तो हम हमेशा ही करते हैं और उसके साथ आज मैं करूंगी क्रोकरी शॉपिंग भी, क्योंकि लेडीज को ना बहुत ज्यादा शौक होता है क्रोकरी शॉपिंग का। तो मैंने उमर को कह दिया कि मैं इस बार हम क्रोकरी शॉपिंग भी करेंगे। तो कुछ चीजें हम देखेंगे घर के लिए, कुछ चीजें हम देखेंगे किचन विद आमना के लिए भी, और साथ में हम करेंगे ग्रोसरी शॉपिंग। और मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये आज मेरी लुक है। तो बस उमर का वेट हो रहा है, उमर फ्रेश हो रहे हैं, जैसे ही उमर निकलते हैं फिर हम चलते हैं शॉपिंग के लिए। हाँ जी, तो शॉपिंग जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे इंस्टा को लाजमी फॉलो कीजिएगा, ऊपर आपको आईडी नजर आ रहा होगा। इंस्टा को फॉलो करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो प्लीज, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। सब्सक्राइब नहीं कब करते, वीडियो देख के भाग जाते हैं, सब्सक्राइब भी किया करें। तो उमर तो काफी लेट हो गया है फ्रेश होकर। तो ये देखे जी, ये मेरा बाबू जो है ना ये भी रेडी हो गया, पर ये जाएगा नानों के घर तरफ, क्योंकि इसको मैं साथ लेके जा सकती हूँ, साथ लेके जाएंगे ना तो ये बहुत तंग करेगी, तो इसीलिए इसको नानों की तरफ छोड़ेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ उमर ने मेरे लिए क्या किया, चलेंगे आपको किचन दिखा जी। तो ये देखें जी, अब हमारा किचन फाइनली सेट हो गया है। ये जो काउंटर थी ना ये इधर आ चुकी है और ये फ्रिज जो था ना वो यहाँ पे आया, क्योंकि रमजान की फुल तैयारियां हो रही हैं। रमजान में जाहिर आपको पता ही कि दावत होगी, दावत इफ्तार वगैरह स्टार्ट होंगे तो फिर मुश्किल नहीं होगी। ये भी चूल्हा होगा, ये भी चूल्हा होगा, यहाँ पे भी खाना पक जाएगा, उधर भी खाना पक जाएगा और आपको बहुत मजे मजे की रेसिपीज भी मिलेंगी। तो आप इस क्लिप में देखिए कि कैसे सेटिंग हो रही है। आप मिलवाती हूँ मैं आपको उमर और आयस से, वो देखे जी पापा और पापा की बेबी है ना वो। अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हालचाल है भाई साहब? तो ये जब मैं पानी पी रहा था तो कहती पापा, ये पापा मम मम पीता है ये अभी पापा के साथ, तो हम जा रहे हैं कहाँ पे? अच्छा, अच्छा मैं जैकेट पहनता हूँ ना, कहती पापा ये नहीं पहननी आप, पता नहीं क्यों क्यों कहती ये नहीं पहननी, ये नहीं। पापा एक कोई पा रहे हैं पहनना, कोई पा रहे। आप सोच रहे होंगे हमारा अब्दुल्ला शहजादा कहाँ पे, अब्दुल्ला शहजादा आराम फरमा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अब्दुल्ला को, दिखा रही हूँ, मिस मत कीजिएगा अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला को भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी बाबू हमारे अब्दुल्ला जो है ना वो सो रहे हैं इस टाइम, रेस्ट फरमा रहे हैं। ऐसा है कि हम निकल चुके हैं और फर्स्ट टाइम मैं और उमर जो है ना बच्चों के बगैर निकले हैं। उमर आपको कैसा लग रहा है? हाँ बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मेरा ये है कि ना बाबू जो है ना मेरे साथ होता ना बड़ा शुगर लगता है, लेकिन वो नींद आ रही थी उसको, इसलिए मैंने कहा जरूर। उमर तो बाबू के बगैर बिल्कुल नहीं निकलते, मतलब बाबू कौन आयत के बगैर, क्योंकि आप लोग समझ रहे दो बाबू है, कौन सा बाबू कह रहे हैं? उसको साथ रखता हूँ मैं अपने, लेकिन वो ये कि उसको नींद आ रही थी तो मैंने कहा कि नहीं आप ये सो जाएगी अभी ना, वो फिर इसको उठाते कहाँ फिरते हम। हाँ जी, तो कहाँ जा रहे हो मैम? हम देखते हैं एक दो स्टोर नए खुले हैं ना, कि मैं नई जगह जाना चाह रहा हूँ कहीं ना, कि नई जगह चलते हैं वहाँ पे एंजॉय करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। चलिए ठीक है, अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं। अभी मिलते हैं। ट्रॉली मैंने पकड़ ली है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही रश इतना ज्यादा ना कि चीजें कैसे ले। तो मैं पहले सोच रही हम क्रोकरी की तरफ चलते हैं। चलो ठीक है, क्रोकरी। वैसे बच्चों के कपड़े भी हैं यहाँ पे, बच्चों के कपड़े भी हैं। भाई साहब सबसे पहले मैडम आ चुकी हैं क्रोकरी शॉपिंग करने। आप इसलिए आई हैं क्योंकि फ्रूट चाट के लिए ना मेरे पास इस तरह के वो नहीं है, बूंदी के लिए और साथ में फ्रूट चाट के लिए। ले लो फिर, ले लो। कौन सा लूं बड़ा? मेरा फैमिली बहुत बड़ी है, कौन सा लूं छोटा? तो बड़े वाला ले लो, बड़े वाला ले लो भाई। हाँ तो ये पसंद आ गया हम लोग। हाँ ये इनफ है, ये मैंने लिए हैं उसके लिए, क्या कहते हैं दही बूंदी के लिए, और साथ में ना देख लेंगे जो भी होगा, ठीक है? फ्रूट चाट जो भी डलता होगा। अच्छे लग रहे हैं। हाँ ये ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, राउंड में नहीं है, थोड़ी शेप बनी हुई है इनकी। सबसे पहले रखते हैं इम्पोर्टेड चीज, तो मैंने कहा बॉक्स में कर दो यार, इस तरह टूट ना जाए। तो भाई बॉक्स ढूंढ रहे हैं, हाँ रैप करते हैं। चले लेना, हाँ पोना भी लेना, चाय का अच्छी सी पोनी लो यार, पहले अच्छी सी लो। नहीं ये नहीं सही। अच्छा विकास भाई ना मुझे बताते होते हैं कि डबल वाली लेनी चाहिए हमेशा, हाँ। तो इसका पत्ती नहीं निकलती, ये सिंगल है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये चम्मच पकौड़ों के लिए, क्योंकि आयत ने ना मेरा तोड़ दिया था, तो एक ये ले लेते हैं, और ये ले लिया, दो मेरे वो वाले हो गए, तीन वो चीजें हो गई, चार हो गए। और इधर से और भी कुछ देखते हैं,
यार बस औरतें आ जाए ना क्रोकरी वाली साइड पे तो वो भाई साहब कबाड़ा करवा के निकलती हैं। मैं तो कह रहा हूँ जल्दी लेके निकलूँ इसको, नहीं तो भाई साहब ये देखो कितना कितना महंगा सामान लगा हुआ है यहाँ पे। ये ना कह दे मैं भी लेके दे, मैं ना नहीं करता, मैं ना नहीं करता। ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी है ना, ग्रोसरी शॉपिंग। तो ये देखो अजीब अजीब चीज़ें हैं ये यार, ये जो याद करता है ना बहुत गलत आदमी। सस्ती तो है लेकिन टाइम भी मैं देखता हूँ ना कि मैं 2 घंटे निकाल के आया हूँ, बस 1 घंटा हो गया, 1 घंटा रह गया, 1 घंटे में देखता हूँ कितनी शॉपिंग करती है आमना। अभी ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी है इसने। हमें ये भी मिल गई है बेस्ट वाली, क्योंकि डबल वाली हमने ली है, ठीक है मैम। हाँ सही है, टैग लगा हुआ है। मैंने ये लिया है डालने के लिए ना, क्योंकि भाई साहब अफ्तारियाँ होनी है तो पिज्जे बनने हैं, सोसे बननी है। तो मेरे बाबू के लिए, मेरे बच्चे के लिए छोटा सा कप है। चले इतना प्यारा है, उसको ऐसी चीजें बड़ी पसंद है वैसे भी आयत को ना। और देखो यहाँ पे और कोई चीजें हैं अच्छी सी, ये भी ले लो एक मेरे बच्चे के लिए, ले लो ले लो ले लो ये भी। हाँ इस पे ना वो बुला क्या, इस पे पकौड़े और फ्राइज के लिए बेहतरीन है ये, ले लो ये भी, ठीक है रख लो दोनों मेरे बच्चे के लिए। तो ये देखें भाई ने पैक कर दिया है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं कि हमारी पॉलिसी, उन्होंने दूध वाला डब्बे में पैक कर दिया भाई। और आमना ने ये जो है ना वैसे भी ऑनलाइन मंगवा लिया हुआ है, ऑनलाइन मंगवाया, मैंने देखा है, काश मैं यहीं से उठा लेती। हाँ ये वैसे ज्यादा सही लग रहा है, बॉक्स भी है। हाँ रखने के लिए ब्रेड वगैरह, ब्रेड वगैरह रखने के लिए बहुत जबरदस्त है। जो है ना आमना कौन सा लेना है, जो सा आप पसंद करें वाला ट्राई करके देख जी, ये ट्राई करें सूफी का पहले, और उसके साथ हमें शुगर भी फ्री मिल रही है, आधा किलो शुगर भी फ्री है। चले भी उठा लें, वही उठा लें, ठीक है शुगर कर लेते हैं। तो साथ में ओले बोला कि शुगर भी मिल रही है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया ओले बोला। तो चलो आप चलते हैं आगे। मैंने फॉइल लिए बिरयानियाँ शिरयानियाँ बनाने के लिए, दम शम लगाने के लिए, दम बिरयानी वो दम शम भी करेंगे। और देसी घी जो है ना वो तो घर पे ही निकलेगा इंशाल्लाह इस रमजान में, आपको दिखाएंगे। हाँ वो आपको दिखाएगी भी आमना कैसे निकलता है, कैसे निकलता है। और ये मैंने ले लिए है मेन चीज फ्रीजर बैग, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टैंग ले रही हूँ, मैं कौन सा ऑरेंज मैंगो ले लो, मैं तो कह रही दोनों दोनों ले लो एक एक, ठीक है पकड़ लो दो। किसी को ऑरेंज पसंद होता है, किसी को मैंगो पसंद होता है, इसलिए दोनों की डिमांड पूरी की जाएगी। चाय भी ले लो क्योंकि तुम्हें पता है सारी इफ्तारी के बाद चाय लाजमी होती है, ठीक है ये हो गया। और अब मेन चीज जो कि बड़ा वाला ले लो एक, हाँ बड़े वाला पकड़ लो एक दफा ही, मैं पकड़ लेता हूँ क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आती है वाम पीती क्यों है, सिर्फ रंगी है और तो समझ मुझे वाकई नहीं आती। मेरे लास्ट ईयर की वीडियो देख लो, उसमें मैंने बताया हुआ है, मुझे समझ नहीं आती। तो यहाँ पे मेरी आयत की शॉपिंग हो रही है क्योंकि वो बड़े शौक से खाती है ये, हालांकि मैं उस मैच के खिलाफ हूँ। मैंने उसको कहा मम्मा आपके लिए कुछ ही लेके आई, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो वो पीछे से आवाजें लगा रही थी, तो मैंने उसको मना कर दिया मैं कुछ ही लाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ केचप, क्योंकि पकौड़ों के साथ तो मजा ही आता है ना, और साथ में केचप के बगैर अफतारी अधूरी होती है, साथ मायो फ्री मिल रहा है, लेकिन मायो में एक्स्ट्रा भी लूंगी, ठीक है। मिस्टर उमर की फैमिली की जान, सारे फ्लेवर पकड़ लो एक एक, सारे एक ही फ्लेवर लेंगे हम, वनीला वनीला और दूसरा मैंगो भी ले लो, एक मैंगो भी ले लो, स्ट्रॉबेरी ले लो, चलो मैंगो नहीं अच्छा, स्ट्रॉबेरी ले लो, बनाना लिया है, स्ट्रॉबेरी लिया है और साथ में वनीला लिया है, 3 फ्लेवर लिए हैं, मैंगो फ्लेवर अच्छा नहीं होता, ठीक हो गया। तो खीर भी ले लो हम ना, 1-2 डब्बे ले लो बस, मैं खुश कर दूँ, मुझे खुशी करने क्योंकि पहले रमजान में मैं लाजमी खाऊंगा खीर, इंशाल्लाह पहले रोजे में अफ्तारी में लाजमी खीर खाऊंगा मैं। और ये देखें जी शिवेला का हमने ये ले लिया बड़े वाला, फैमिली ज्यादा, हाँ ससुराल भी है, मायका भी है, बहुत लोग हैं, तो मैंने कहा उसको वापस रखो तो ये ज्यादा सही है, मैंने कि खुल के, लेकिन कलर जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन कोई नहीं नेचुरल है वो। अब जो है ना मेन जो चीज आ गई है मसाले, पकौड़ों के मेन मसाले खत्म कर, फिर मैं पकौड़ा मसाला मिक्स नहीं लूंगी क्योंकि हम मेन मसाले खुद बनाएंगे। तो मैं अजवाइन ले रही हूँ सबसे पहले, सारे मसाले ये लगे हुए हैं, हल्दी होगी, मिर्ची होगी, ट्राई करेंगे ये वाली मिर्ची भी ट्राई कर लेते हैं, जो ये ज्यादा लाल लग रही है, ज्यादा लाल लग रही है, मैं मिर्ची कम खानी है, मैं मिर्चे खाते नहीं होता, मेरी तरफ से डालो ही ना, मैं मिर्चे नहीं खाता, ऑर्डर लगाया शान की थी, शान की सही है, शान की मिर्चें ले ली, मिर्चे भी ले ली, अनारदाना भी ले ली, यार ये वाली मिर्चें ना मैं इसके बड़ा अगेंस्ट हूँ, मैं नहीं खाता, आप पिछले साल इन्हीं के पकौड़े खाते थे, लेकिन मैं नहीं खाता यार, ज्यादा नहीं खाता, ये ज्यादा बहुत गलत होती है खानी। तो
अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ बूंदियाँ, और मैंने यहाँ पे देखा अब तो जमाना आगे निकल गया, पापड़ी भी साथ बिकती है। मैंने एक कोट रोली मंगवा ली अपने बाबे के लिए। थैंक यू यार, थैंक यू ब्रदर। तो ये यहाँ पे सारे जो सामान है ना, अब ना मेरे बच्चे के लिए आप डाल दो इसके अंदर, जो जो मेरा काका खाता है सब कुछ डाल दो। मैं लग जाए आयत का सामान इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि वो मैड ही लेके आते होते हैं जब भी लाते हैं। तो अब अपने बच्चे के लिए मुझे पता है वो क्या क्या खाती है। वो एक बिस्किट लाए आपने मंगवाए हैं, वो बहुत शौक से खाती है। वो कहाँ पे है? हाँ ये वाले चॉकलेट सोनी के बिस्किट हैं, ये बहुत शौक से खा रही है। ये बहुत शौक से खाता है मेरा बच्चा। ये ले ले, एक ये ले ले, दो ये ले ले। हाँ क्योंकि फिर आप रोजे में कैसे जाया करेंगे बाहर। बस तीन ले लो, ये तीन हो चुकी हैं। दो ट्रॉलियां, दो ट्रॉलियां महंगी है। मेरी ट्रॉली ये मैड की तरह हैवी वाली, क्योंकि मैड में बहुत जान है तो इसीलिए। और अब हम जा रहे हैं दालों की शॉपिंग, दालों की शॉपिंग करने। चलो अब ना दालों में माँ दी, प्यो दी, दादे दी, दादी दी, सारी दालें ले लो, जो भी है ले लो सारी दालें, ठीक है ले लो। चने लिए हैं, माँ ही दाल के थे। चना चाट बहुत पसंद है, वो कहती मैं तेरे घर आके चना चाट खानी। चलो मम्मी के लिए ले लो, ठीक है। और दालें सारी पकड़ लो, मसर शसर सब कुछ ले लो। डाली जो मसर सारे पकड़ लो ना, चने की दाल, चने की दाल, हाँ चने की दाल लाजमी, चने की दाल, मसर। दोनों ट्रॉलियां आपका भाई एक साथ खींचेगा। मेन चीज तुम भूल रही हो, बेसन। बेसन जल्दी जल्दी ले लो, एक ले लो। ये है ना कि बेसन कई तरह के होते हैं, मैं आपको बताऊँ। चने की दाल का होता है और उसका होता है क्या कहते हैं, चने का भी होता है। सही है, पकड़ लो, इस्तेमाल करेंगे तो पता जाएगा, फिर उसी से मंगवाएंगे नहीं, उसी जगह से मंगवाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है। बेकिंग के लिए दो मैदे भी ले, ठीक है, दो पैकेट, ठीक है, दो पैकेट। ठीक है जी, एक बंदा दो ट्रोलियां चला रहा है और ये मोर भी रहा है। मैं कहीं आप ट्रोलियों का काम तो नहीं करते थे ऑस्ट्रेलिया में? जन्म में बहुत कुछ करता था। अच्छा, सबसे मेन चीज इफ्तारी की खजूर, जान, इफ्तारी की जान जो होती है ना, बगैर इफ्तारी नहीं करनी चाहिए। ले आओ खजूर, पकड़ लो ये, हाँ दो पकड़ लो। चलो जी खजूर भी हो गई है, एक ट्रॉली काउंटर पे पहुंच चुकी है पहले से। हाँ दूसरी तैयार हो रही है। तरस खा रहे थे लड़का, दो ट्रॉलियां चला, उन्होंने कह दी हम कर देते हैं, हम खुद ले छोड़ देते हैं। तो हम ना रमजान में इतना कुछ खाना पीना है, तो ये बर्तन धोने के लिए भी सामान ले लो सही सा, ठीक है ना। और देखो ना, मैं बोल रही थी, मैं कह रही सब कुछ पूरा हो गया। नहीं नहीं अभी बहुत कुछ रहता है अभी सामान। अब आमना यहाँ पे ले रही है मल्टी सरफेस क्लीनर, क्योंकि स्टोव जो है ना बहुत यूज हो रहा है। रख दो ये भी अंदर, हमारा बहुत अच्छे जाता है। हाँ और क्या रह गया, दांत साफ कर लेंगे। हाँ दांत मजबूत होंगे तो इतना कुछ खाया जाएगा ना। लोगों ने आना है इफ्तारी करने, तो टिश्यू भी थोड़े अच्छे होने चाहिए। तो भाई ने रेकमेंड किया है ये वाले कि ये टिश्यू अच्छे हैं, तो मैं कहा चलो यही ले लो। ये भी ले लिया क्योंकि बच्चों को पकौड़े और फ्राइज बना के देती हूँ ना, तो फिर ये टिश्यू काम आते हैं। चलो ठीक हो गया, ऑयल सारा निकल जाता है इससे, ठीक है। तकरीबन अल्लाह का शुक्र है हमारी सारी शॉपिंग हो चुकी है, कम्प्लीट हो गई है। मैं कुछ नहीं किया, देख लो और क्या रहता है अभी, देख लो बस बात मिले की ले आएंगे, वो तो कोई नहीं, मेन चीजें तो हो गई है सारी। ट्रॉलियों से अंदाजा हो ही रहा होगा कि आमना का दिमाग कितना तेज है, दिमाग में सारा कुछ रखा था मैंने। हाँ मुझे तो कॉपी से भी लिखा था, दिमाग में रखा। चले चलते हैं, बिल बनवाते हैं, चलते हैं। यार अगर दोनों ट्रॉलियां छोड़ जाऊँ कोई मसला तो नहीं, पक्की बात है। चलो यार चले, हर साल का मजाक होता है, हर रमजान में जरा मजाक से मजाक करता हूँ, मेहनत से मैंने चीजें रखी है तो कहते हैं मैं छोड़ दूँ। तो चलो पेमेंट करते हैं और निकलते हैं। आमना भी एक ट्रॉली भी, आधी ट्रॉली हुई है तो ये बिल हो गया। आज आधी ट्रॉली भी नहीं हुई है, दे लो अभी, दोनों ट्रॉलियां रहती हैं। जितना खर्च करें ना, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आप दिल खोल के खर्च किया करें रमजान में। रमजान में दो बैग हो गए हैं, अब भाई तीसरा बैग करने लगा यार। इधर ही भाई मैं कहूँ मैंने नहीं लेना सामान, फिर क्या होगा, वापस हो जाएगा? नहीं होगा वापस, मैं इधर से भाग जाऊँ, मैं कहूँ मैंने नहीं देने। क्रॉस कर ली आपने, आपने क्रॉस कर ली है। हाँ 30 से ऊपर चला गया, 30 से ऊपर हो गया। ये बिल बन गया, पेमेंट भी कर दी। इतना ही बनना था, मैंने सच निकले, मैंने इसको पहले ही कह दिया था कि 40 प्लस है, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। इतना था मैं, तो मुझे था मैंने 30 तक होगा। पिछले साल भी 28,000 हुआ था। ये लिस्ट आ रही है भाई साहब, ये लो जी, एंड हो गया, एंड हो गया। थैंक यू यार, अब तो वापस भी नहीं हो सकता। तो ये बिल है अपना, बिल बहुत लंबा है भाई साहब। ये देखिए
लिए इस साल रमजान की शॉपिंग कुछ लंबी नहीं होगी मैम? ये देखो वो ये तो मेरे जितनी लगी 4 फुट का तो खाली बिल है, बिल है। तो भाई साहब देखो सामान सारा गाड़ी में जा रहा है। तो हाँ जी शॉपिंग हमारी हो चुकी है, अब सारी जिम्मेदारी मेरी है कि इसको सेट कैसे करना है। मैंने तो करा दिया शॉपिंग रमजान की, तो सेट मुझे करना है। और इतनी लंबी लिस्ट है ना, अगर मैं आपको एक एक चीज का बताऊंगी ना तो ये वीडियो मेरे ख्याल से 1 घंटे की हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही हाँ जी। तो मैं अब चलते हैं अम्मी की तरफ चलते हैं सबसे पहले, हाँ। वहाँ मैं बच्चों को पिक करना है, फिर उसके बाद हमने जाना है प्लाजे प्लाजे पे। चलो यहाँ मैं आई हूँ घर में, और यहाँ देखे जी आयशा ने और अम्मी ने ना मिलके ना आये तो अब्दुल्ला का ख्याल रखा हुआ था। थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने मेरे बच्चों का ख्याल रखा। अच्छा, तो 30 साल से रख रहे हैं यार, आप थैंक यू बोल रही हैं। वैसे ही कह रही हूँ मैं, ऐसे लग रहा था जैसे मैं जवान हूँ, मेरे कोई बच्चे बच्चे नहीं। सोच रही थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था। मैं भी सोच रही थी आज मेरी बहन बेचारी रिलैक्स होना चाहिए। मैं भी सोच रही थी आज आपने बेचारी रिलैक्स होगी। नहीं ना रिलैक्स, आज मैं गाड़ी में ऐसे आराम से बैठी हुई थी, सुकून से बना अब्दुल्ला को पकड़ा था, आयत को पकड़ा था, थक जाती हूँ पकड़ के। तो मेरे बगैर ही ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, आयशा के बगैर कर ली, क्योंकि मुझे ये था अगर मैं आयशा को लेगी ना तो आयत का ख्याल कौन रखेगा। मुझे तो असल बात ये थी, लास्ट टाइम भी मैं नहीं गई थी हमने ग्रोसरी शॉपिंग, इसीलिए पिछले भी नहीं गई थी, इसीलिए मैं आयशा को यहाँ छोड़ गई हूँ आयत का ख्याल रखने के लिए। आयशा आयत का ख्याल रखेगी, अम्मी अब्दुल्ला का ख्याल रखेंगी, और भी मैं आराम से शॉपिंग। घर आ चुके हैं, खाना भी खा लिया, अब सारा सामान ना हमने यहाँ पे सेट कर लिया ताकि एक एक चीज ना हम ठिकाने पे रख सके। यहाँ भी लग गया सामान सारा, अब इसको रखेंगे मैं और हमारी प्यारी मनाहिल मिलके ना अपनी जगह पे जो इनका घर है ना वहाँ पे इनको सेट करेंगे, ठीक है। और आयत भी साथ मिलके करेगी, ठीक है। चलो मनाहिल बेटा आ जाए, आप हमारे साथ हमारी हेल्प करें, ठीक है। तो मनाहिल ऐसा है कि जब अब्दुल्ला पैदा हुआ था ना तो मैं किचन भी संभालती थी, तो ये किचन की हालत देखो, ये ऐसे हो चुका हुआ है। अब हम दोनों ने मिलकर इसको सेट करना है, ठीक है। चेयर लेके आओ, हम दोनों मिलकर यहाँ पे सेट करते हैं। चले मैं सेट करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो आमना जी सामान किधर गया यार? सारा सामान गायब हो गया, सारा अपने अपने घरों में चला गया है। मिर्चे वाले जो मिर्चों वाला सामान था ना, मतलब गर्म मसाले वगैरह जो मसालों वाला सामान था वो अपने घर में चला गया है। बड़े अरसे बाद ऑर्डर पे नजर आ रहा है मुझे सारा ये। और यहाँ पे सारा बिस्किट का स्टॉक है उमेर और आयत के, ठीक है। क्योंकि उमेर ना इफ्तारी के बाद चाय पीते होते हैं तो उसके साथ बिस्किट भी लेते हैं, लाजमी थोड़ा सा लेते हैं। और बाकी जो चीजें है ना वो क्या कहते हैं, बाकी जो चीनी वगैरह वगैरह थे, बाकी शरबत वगैरह यहाँ मैंने रख देंगे। अभी ये जगह सेट होने वाली, लेकिन मैंने यहाँ रखी है सेट करके टेम्प्रेरी। हाँ उधर उस वाले में क्या? उस वाले में ना जो अभी मसाले मतलब एक्स्ट्रा लाई हुई ना मैं, वो रखे हैं मैंने पैक। अभी इसको पेंट होना है, ग्रिलों को पेंट होना है, अभी बड़े काम है यार रमजान से पहले पहले। किचन फिर से सही होना, मैंने रखे हैं, मैंने जगह जगह संभाले हुए हैं। ये हमारी टेबल है खुफिया, इसमें ये बना हुआ है दराज है, इसमें टिश्यू है, एक साइड में इसी है, एक साइड में वो है। अच्छा दूसरे इस तरफ रख दी, दूसरी मैंने इस तरफ रख दी है, ठीक है। ठीक। और बाकी जो दालों का सामान, सारी दालें मैंने रख दी है संभाल के, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई थी तो मैंने ऐसे इस तरह रख दी है। तो अब मैं थक चुकी हूँ, ऐसा है कि अब ये वीडियो यहीं पे खत्म करूंगी, और नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट होगी ना वो आपको मिलेगी कि मैं तैयारियां कैसे कर रही हूँ रमजान की। वजह से होती है ना तैयारियां, खाने पीने की भी तैयारियां होती हैं, उसको फ्रीज कैसे करके रखती हूँ हर चीज को, नगेट्स को और साथ में वो चनों को और साथ में बहुत सी दही भड़ों की चटनियों को, इमली की चटनी को, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे इंस्टा को लाजमी फॉलो कीजिएगा, नजर आ रहा होगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।